हेलो दोस्तों, आई एम अंकित सिंह और आज कंडीशनल सेंटेंस के सेकंड एक्सरसाइज में मैं आपका स्वागत करता हूं। वैसे कंडीशनल सेंटेंस का एक एक्सरसाइज तो देख चुके थे, आज फिर से दूसरा एक्सरसाइज लेकर के आता हूं ताकि आपका यदि कोई कन्फ्यूजन बचा हो तो इस एक्सरसाइज में पूरा का पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। यदि दोस्तों आप कंपटीशन की तैयारी करो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसको तैयारी करना हो तो उसको जरूर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इस चैनल पर जुड़ने के लिए या उसके पास वीडियो शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कंडीशनल सेंटेंस का एक्सरसाइज नंबर सेकेंड क्या चीज़ है। वैसे कंडीशनल सेंटेंस के अभी तक यदि मेरे वीडियो नहीं देखे हो तो सारे के सारे वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप वहाँ से जा करके देख लीजिए। तब हम लोग चलते हैं कंडीशनल एक्सरसाइज की तरफ। ओके, पहला है सी कम टू आवर पार्टी इफ सी हैड नॉट बीन हॉलीडे। अब देखो कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, एक इफ क्लॉज के साथ होते हैं और यहां पर एक सिंपल सा सेकंड क्लॉज होता है। वैसे आपके सामने देखिए टेबल लगे हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री के सबके टेबल लगे हैं, देख लीजिए। अब देखो किसमें हम लोग टेबल में पता करो कि हैड किसमें आ रहा है, हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। अब किस में, क्योंकि इफ क्लॉज के साथ देखो आया हैड आया तो किस में आया, देखो ध्यान से देखेंगे तो टाइप थर्ड में है, टाइप थर्ड में है कि नहीं है, टाइप थर्ड में हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म और बी का थर्ड फॉर्म लगा है। अर्थात क्या होगा, है इफ के साथ यदि हैड वर्ब थर्ड फॉर्म तो उसमें क्या लगेगा, वुड हैव लग रहा है। ध्यान से देखो इसमें हम लोग पता करेंगे वुड हैव कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर है वुड हैव, सिंपली हमारा सी वाला करेक्ट होगा। इट मीन्स इफ सी वुड हैव कम टू आवर पार्टी इफ सी हैड नॉट बीन हॉलीडे। यदि आपको इसका हिंदी नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बस पहचान के तो कर लो, बस क्लाज पहचान लो। इफ क्लाज के साथ में क्या है, यहाँ पर देखो आपके सामने टेबल, टेबल को अच्छे से देखो। देखो इफ आई स्ट्रांगर आई वुड हेल्प यू, पकड़ते हैं आई के साथ सेकेंड वाले क्लाज में, इफ क्लाज के साथ है, देखो गैप है। सेकेंड वाले क्लाज में देखो किस में वुड लगा है, तो सेकेंड वाले क्लाज में पता चलता है कि टाइप सेकेंड में वुड लगा है, अर्थात पहले वाले में पास्ट रिपीट अर्थात वर्ब सेकेंड फॉर्म, लेकिन इधर को तो कोई वर्ब दिया ही नहीं है। तब क्या लग सकते हो, वाज वेयर लग सकते हैं या हैड लग सकते हैं, देखते हैं। इफ आई, अब देखो थोड़ा सा मतलब बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर ही होगा इफ आई वेयर स्ट्रांगर, क्योंकि हैड नहीं बैठ सकते, पोसेशन की बात आती है और हैड के साथ क्वालिटी नहीं आती, कोई ऑब्जेक्ट की बात आती है, ठीक है। तो इफ आई वेयर स्ट्रांगर यदि मैं मजबूत होता, इस प्रकार से बातें होंगी। ओके, इफ तो इफ आई हैड सीन यू, इट मीन्स हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, देखो किस में आया, टाइप थर्ड में, टाइप हेड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, वी अर्थात टाइप थर्ड में क्या लगेगा, वुड हैव लगेगा। देन तो इफ आई हैड सीन यू वी वुड हैव, वी वुड हैव, देखो वुड, वुड हैव, विल, अनवेयर, तो इट मीन्स वुड हैव लगेगा क्योंकि टाइप थर्ड में, देख लीजिए। इफ वी अर्थात वी के साथ देखो इफ वाले क्लॉज के साथ गायब है और आई शैल से हेलो, इट मीन्स विल शैल किस में लग रहा है, टाइप फर्स्ट में यार, तो पहले वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट डालो ना, तो मीट, सिंपल सी बात है, इट मीन्स हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। पांचवा देखते हैं, ही वुड हैव रिपेयर्ड द कार, देखो विदाउट इफ वाले में अर्थात सेकेंड वाले क्लॉज में वुड हैव आया है, अर्थात किसका, टाइप थर्ड का है, इट मीन्स हैड के साथ वो अब थर्ड फॉर्म लगेगा। देखो हिमसेल्फ, इफ ही वुड हैव रिपेयर्ड द कार हिमसेल्फ इफ ही, अब देखो टूल्स की बात है, अर्थात क्या लगेगा, वेयर तो लग नहीं सकता, इज हैड लगेगा, हैड, इट मीन्स हैड, हैड टूल्स यहाँ पर इसका यूज होता है, यदि उसके पास टूल होता क्योंकि हैड लगा और पास हैव का थर्ड फॉर्म लगता है तो हैव हैड। यदि अब देखिए इस एक्सरसाइज में मैंने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, देखिए तो भी कितनी आसानी से हम लोग फिलअप कर देंगे, कोई घबराने की बात नहीं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन वाली थोड़ी सी आदत पड़ गई थी, लेकिन क्या करना है, अब थोड़ा सा विदाउट ऑप्शन के हम देखो कैसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, अब देखिए हम लोग विदाउट ऑप्शन के भी कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने टेबल पड़ा है और यदि आपके दिमाग में यदि चीज़ें कन्फर्म है तो भी कोई बात नहीं है, तब तो और आसानी से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, अब देखो इफ आई हैड नॉट स्टडीड, अब देखो हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म किस में लगता है, अर्थात टाइप थर्ड में, ध्यान से देखिएगा, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म किस लगा, टाइप थर्ड में, अर्थात उसमें क्या लगेगा, वुड हैव का यूज होगा, जैसा कि टेबल में दिख रहा है, इट मीन्स वुड हैव, आई वुड हैव। ओके, हम लोग अगला देखते हैं, आई वुड नॉट गो टू स्कूल बाई बस इफ आई ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर देखते हैं वुड लगा है ना, वुड देखो किस में आ रहा है, तो वुड टाइप सेकेंड में, सेकेंड वाले क्लॉज में आया है, तो पहले वाले में क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इफ आई, लेकिन यहाँ पर तो देखो आई एन जी लगा है,
तो ing का मतलब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, एक ऑब्जेक्ट की जैसे, एक कार्ड की जैसे कुछ होने की बात कर रहा है, इट मीन्स इफ आई हैड लगेगा, इफ आई हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। एट नंबर, इफ सी, देखो डैश है, नॉट अभी कुछ पकड़ में नहीं आया, सी नॉट सी हिम एवरी डे, सी वुड गेट, अब देखो वुड किस में लगा, टाइप सेकंड में, वुड गेट अ चीप लाइट, अर्थात पहले में पास्ट इंडिफिनिट का सेकंड फॉर्म में, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, वेयर या हैड लगेगा। अब देखो इफ सी नॉट सी हिम, अर्थात निगेटिव आ गया तो पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव, इट मीन्स डिड लगेगा, इट मीन्स सी डिड नॉट सी हिम एवरी डे, ओके। आई डैश ट्रेवल टू लंडन इफ आई डिड नॉट गेट अ चीप फ्लाइट, इफ के साथ में पास्ट इंडिफिनिटेंस क्योंकि नेगेटिव लगा है तो तथा उसमें क्या लगेगा, वुड लगेगा, तो आई वुड ट्रेवल, आई वुड ट्रेवल, ओके। टेंथ नंबर लास्ट जो है, वी डैश बी स्टूपिड इफ वी टोल्ड हिम, देखो टोल्ड लग गया, इट मीन्स पास्ट इंडिफिनिट का ओके सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपली बोलेंगे इफ के साथ पास्ट इंडिफिनिट, अर्थात सेकेंड वाले क्लॉज में वुड लगेगा ना, तो इट मीन्स वी वुड बी स्टूपिड। देखो क्या करना, बस पहचान पकड़ लो यार, पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, और खटाक से पकड़ ले रहे, फिलअप कर दे रहे, बात आसान हो जा रही है। इस तरीके से आपने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस के जितने एक्सरसाइज है बस हमने चुटकियों में सिखा दिया, और आप बस पूरा वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको यार खुल के शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को सब कुछ हिट कर देना खटाखट। और यदि किसी को दिक्कत हो, यदि कोई सीखना चाहता हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, इंग्लिश इसका बड़ा कमजोर, इन सब प्रकार के कन्फ्यूजन इस चैनल पर दूर हो जाएंगे। बस एक ही काम आपको करना है कि मेरे से हमेशा जुड़े रहना है। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू।